हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, रक्षाबंधन, जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन के रिश्तों का एक पवित्र अटूट नाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे राखी त्यौहार कहते हैं, यानी कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, प्रेम, विश्वास, सम्मान की डोर से बंधा भाई बहन का ये रिश्ता मजबूत करने के लिए कई कई उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, राखी के त्यौहार के पीछे कई कहानियां और मान्यता भी जुड़ी है। भाई बहन का रिश्ता अटूट प्रेम और विश्वास की मजबूत डोर से बंधा हुआ है। इस दिन बहनें अपनी भाई की मंगल कामना करती है और भाई अपनी बहन की हर हाल में रक्षा का वचन देता है। दोस्तों, इस दिन शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने की परंपरा होती है और दोस्तों, इस अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा कवच बांधते हैं। इससे पता चलता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा जरूर करेंगे और उस तोहफे पर, यानी कि इस त्यौहार पर भाई अपनी बहन को कुछ उपहार के तौर पर कुछ चीज़ें या वस्तु देता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह ये भाई बहन का अटूट निष्ठा होता है, प्रेम विश्वास से बंधा ये पवित्र का नाता होता है। तो दोस्तों, ऐसे इस त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, यानी कि इनके पीछे कौन सी ऐसी पौराणिक कथा है, तो दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, राखी या रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, हर साल सावन पूर्णिमा के दिन राखी त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र मौली या राखी बांधकर उनके जीवन के लिए मंगल कामनाएं करती है। तो भाई बहनों को उपहार और उनकी सुरक्षा एवं सहयोग का वचन देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि राखी का त्यौहार की शुरुआत कैसे हुए, तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के अनुसार। तो दोस्तों, देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राक्षस बलि से तीन पग में उनका सारा राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे विष्णु जी ने मना नहीं कर सके। लेकिन जब लंबे समय से भगवान विष्णु अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने की सलाह दी और उनसे उपहार में विष्णु जी को मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ पर राखी या रक्षा सूत्र बांधा था। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी है। तो दोस्तों, आइए जानते दोस्तों भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत में प्रसंग में आता है, जब राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ भी इसमें घायल हो गया। उसी क्षण द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक सिरा कृष्ण जी की चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। तो दोस्तों, इस तरह है रक्षाबंधन की एक कथा। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।